सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। यहाँ सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल के। बेचने वाले हवा भी बेच देता है गुब्बारे में डाल के। सच बिकता है झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी। तीन लोक में फैला है फिर भी बिकता है बोतल में पानी। कभी फूलों की तरह मत जीना, जिस दिन खिलोगी टूटकर बिखर जाओगी। जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तरासे गए खुदा बन जाओगी। आज का पंचांग 18 सितंबर 2020 दिन शुक्रवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 12:50 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र सुबह 7 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:35 से 11:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:44 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी कन्या राशि पर ही रहेंगी। वृश्चिक राशि 18 सितंबर 2020 दिन शुक्रवार, आज के दिन आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं रहेगी। आप अपने वर्तमान घर या नौकरी में बदलाव का फैसला ले सकते हैं। कश्मकश में ना रहें, बदलाव होना अच्छा ही रहेगा। आपको किसी ऐसे आदमी से बात करके अप्रत्याशित सहायता मिल सकती है जो छुपचाप आपकी भलाई चाहता रहा है। आप अपनी कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे जिससे आपकी कार्य क्षमता और अधिक सशक्त होगी। धर्म कर्म से जुड़े मामलों में भी आपका योगदान रहेगा और इन कार्यों में आपको मानसिक सुकून भी प्राप्त होगा। नव विवाहित लोगों के लिए बेहतर समय है। आपको अपने परिवार से पूरा सहयोग रहेगा। व्यापार से जुड़े लोग अपने जीवन साथी की मदद से नया काम शुरू कर सकते हैं। आपका जीवन साथी आपके लिए योग मार्गदर्शक होगा, चाहे बात व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हो या काम से जुड़े हो। किसी से छुपाकर किया व्यवहार में नुकसान हो सकता है। परिवार से आर्थिक बातें ना छुपाएं। सावधानियां, पैतृक संपत्ति संबंधित कोई वाद विवाद बढ़ सकता है, इसलिए आज इससे संबंधित कार्यों को स्थगित ही रखें। धन संबंधित कार्य करते समय अच्छी तरह विचार विमर्श अवश्य कर लें। अपने गुस्से पर भी काबू रखना अति आवश्यक है। लव लाइफ की बात करते हैं। आज आपका साथी आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। लालसा और अकेलेपन का आज अंत होगा। आप अपने रिश्ते में एक कदम आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपने साथी के साथ इस बारे में विचार विमर्श कर ले क्योंकि ये साझा है। जल्दबाजी करने से बचे क्योंकि ये प्यार आपको अपनी मेहनत और अथक प्रयासों के कारण मिला है। आपके साथी के इर्द गिर्द कुछ साजिश की वो आ सकती है। जीवन साथी का आपको भावनात्मक सहयोग प्राप्त होगा जिसकी वजह से आप अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, परंतु घर व बच्चों के लिए भी कुछ समय अवश्य निकालें। करियर की बात करते हैं। हालांकि आप अपने कार्य क्षेत्र से संतुष्ट हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये समय अपना हुनर रचनात्मकता को दिखाने का है और हो सकता है कि आपको अपनी परिवार की प्रतिबंधाओं को पीछे छोड़ना पड़े, लेकिन ये आपके करियर को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर आप इस काम को सही ढंग से कर पाएंगे तो ये आपको उस मंजिल तक ले जा सकता है जिसकी आपने कल्पना भी ना की होगी। आपको अपने घर और कार्य क्षेत्र में
सामंजस्य बिठाना होगा ताकि आप दोनों क्षेत्रों का आनंद उठा सकें। सेहत की बात करते हैं, आप सामाजिक रूप से काफी सक्रिय रहेंगे और तैली तथा भारी खाने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। आप काफी अल्कोहल भी ले सकते हैं। अधिक मात्रा में पानी पिए। किसी भी यात्रा पर जाने से पहले अपनी नींद पूरी तरह से लें। अगर आप अपना दृष्टि को सहज रखेंगे तो अच्छे दिखेंगे और अधिक ऊर्जावान रहेंगे। आज का उपाय, आज आप गाय को रोटी खिलाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।